भारत देहातों में बसता है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। देहात की आबादी, शहरों की ओर जाने का दौर, वहाँ जाकर बसने का दौर शुरू हो चुका है। भारत में यह प्रक्रिया काफ़ी गति पकड़ चुकी है। यह देखते हुए हमें कभी कभी अंदाज़ा होता है कि देहातों का क्या होगा। देहातों का जो रोमांटिसिज्म से नाता है, वह नाता बरकरार रहेगा क्या? देहातों के लोगों को शहरी लोगों की तुलना में अच्छा जीवन जीने की कोई गुंजाइश है क्या? इन सब प्रश्नों के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? ऐसे कई सारे सवाल इस समय, आज 24 अक्टूबर के दिन यानी दशहरे के दिन मेरे सामने मौजूद है। इन सीमाओं को लांघकर, सीमोल्लंघन कर उसके बारे में कोई विस्तार से बताएं तो हमें निश्चित ही यह उपयुक्त लगेगा। और इन सब चीज़ों का विचार करते हुए मैं शैलेश मालोदे आप सबका इस विविधा कार्यक्रम में दशहरे के दिन स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो कुछ विचार शुरुआत में मैंने व्यक्त किए, उस विचारों को सिर्फ विचार न समझकर, उसके बारे में ठीक ढंग से सोचकर, इन समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से अनेक पर्यायों का विचार करने के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई करने में रुचि रखने वाले और इस बारे में पिछले निरंतर 31 सालों से कोशिश करने वाले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल राजवंशी, इनसे मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। वो बातचीत हम दोनों आपस में दूरध्वनि द्वारा करने वाले हैं। डॉक्टर राजवंशी ने IIT कानपुर से BTech किया है, उसके बाद MTech किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्होंने PhD की पदवी हासिल की, उसके उपरांत उन्होंने 2.5 साल तक उसी विद्यापीठ में अध्यापन का भी कार्य किया। इसके बाद उनके दिल में बसा हुआ भारतीय व्यक्ति जागरूक था, जो सक्रिय हो उठा और उन्होंने निश्चय किया कि वे भारत लौटकर देहातों में अपने कामकाज को अंजाम देंगे और अपने ज्ञान का इस्तेमाल देहातों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए करेंगे। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जन्मे राजवंशी ने अपने कार्यक्षेत्र को चुना और यह कार्यक्षेत्र था फलटन, जो कि सातारा जिले में एक तहसील है। और वहाँ उन्होंने 1981 में सर्वप्रथम निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NARI में काम करना शुरू किया। डॉक्टर राजवंशी, जब आपने फलटन में पहली बार कदम रखा और काम करने के लिए यहाँ पर बसने का विचार किया, तो यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी? आपको इन परिस्थितियों से जूझने में कोई दिक्कतें आई? और 31 साल का जो आपका अनुभव है यहाँ का, उस बारे में आप हमें संक्षेप में बताइए। मेरी पैदाइश और मेरी पढ़ाई जो है लखनऊ में हुई। वहाँ मेरे फादर स्वतंत्र सेनानी थे और जेल में गए थे गांधी जी के साथ 1942 की लड़ाई में, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट थी। और उसके बाद में जब जेल से बाहर निकले तो उनको लखनऊ इतना पसंद आया कि वो लखनऊ में ही बस गए। तो मेरा जन्म 1950 में हुआ था और मैं लखनऊ में ही पढ़ा। और उसके बाद में फिर मैं IIT कानपुर गया, जहाँ मैंने BTech करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद में फिर मैं अमेरिका गया, वहाँ पर मैंने PhD करी और वहाँ पर मैंने 2.5 साल पढ़ाया। वहाँ मेरी मुलाकात मेरी फ्यूचर वाइफ से हुई, नंदिनी निमकर, जो कि फलटन से आती है। तो हम दोनों ही जो थे चाहते थे कि अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वापस हिंदुस्तान आएँ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कहाँ जाएंगे। तो जब मैं वापस एक साल पहले हिंदुस्तान आया तो मेरा विचार था कि मैं किसी भी बड़ी कंपनी में या बड़े शहर में काम का। तो मैंने बहुत जगह देखा और वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव लगी। तो ये सोचा कि हो सकता है कि अच्छा रहेगा कि अपना ही काम करा जाए। और क्योंकि हमेशा ये इरादा था कि गांव के लोगों को हेल्प करना और ख़ासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी में, तो ये सोचा कि फलटन में आकर कुछ शुरू करेंगे और वहाँ पर जो है काम करेंगे। ये मालूम नहीं था कि फलटन में कितनी हालत ख़राब है। ऐसी हालत थी कि जब हम आए 81 में, तो अगर हमें फ़ोन भी करना था लॉन्ग डिस्टेंस, तो मुझे बहुत दफ़े बस में चढ़ के पुणे आना पड़ता था और वहाँ से मैं फ़ोन करता था।
ना फल्टर में कुछ मिलता था ना कोई फ़ोन होता था, लेकिन फिर भी ये था कि अगर हम इस छोटे से गांव में कुछ कर सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। और एक बार जब काम शुरू कर दिया तो इसमें लग्न हो गए कि फिर ये सोचा ही नहीं कि कितना छोटा गांव है या बड़ा गांव है। पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, यह भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निश्चय था। इस बारे में काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं, आप इस बारे में पहले से काफ़ी दिनों से कार्यरत रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पूरा का जो है वो अभियान काफ़ी अच्छा है, और ये एक्चुअली हमारी स्टडी से आया। हमने जो 1990 में देश में पहली बार एक स्टडी करी थी कि हर तालुका को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाना, वो भी गांधी जी के आइडियाज के ऊपर था, और सारी जो है मॉडर्न फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीज़ें देने के लिए, उसी से जो है मिस अब्दुल कलाम का ये पूरा शुरू हुआ, क्योंकि ये इस पीछे काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। नाउ क्वेश्चन आपका है कि सरकार ने पैसे दे दिया 100 या 150 करोड़, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ लगाया वहाँ लगाया, लेकिन अल्टीमेटली जो मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म पूरा के लिए भी है जो कि गवर्नमेंट का नेशनल प्रोग्राम है फॉर रूरल डेवलपमेंट। हजारों करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम रूरल डेवलपमेंट में लगाएंगे, कहाँ जाता है? सब पॉलिटिशियन से पॉकेट में जाता है। तो इसलिए जो है ये या तो हम उसको ही खत्म करने में पहले जुट जाएं कि कैसे करप्शन खत्म हो जाए, लेकिन जो गरीब लोग हैं गाँव के वो तो नहीं ठहर सकते। जो पूरा का जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, और ये हमारे तालुका प्रोग्राम जो कि हमने 1990 में शुरू किया था उससे ये आइडिया आया था। और क्योंकि हम जो थे पहले लोग थे हमारा इंस्टीट्यूट जिसने ये प्रोग्राम किया था कि सेल्फ सफिशिएंट तालुका, जिसको कि हमने इलेक्ट्रिसिटी देने की बात करी थी और बाकी चीज़ देने की बात करी थी। लेकिन क्वेश्चन आपका है कि सरकार ने 150-200 करोड़ रुपया दे तो दिया है पूरा के लिए, लेकिन वही मैकेनिज्म है जो कि इस पैसे को देगा, जो कि 50-60 हज़ार करोड़ रुपया जो कि सरकार देती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो उसी हिसाब से जैसे वो मैकेनिज्म है उसी के हिसाब से ये भी चोरियाँ होंगी, ये भी करप्शन होगा, और जिन लोगों के लिए पैसा जाना चाहिए उन तक ये पहुँचता नहीं है। तो क्वेश्चन इस बात का है कि या तो हम लोग सभी लोग जुट जाएँ इस करप्शन को पहले ख़त्म करने में, लेकिन क्वेश्चन आपका है कि करप्शन जो है ये बहुत दिनों तक चलेगा, और ये जो गरीब लोग हैं जो कि पिछले बेचारे 65 साल से रह रहे हैं, देख रहे हैं कि उनको जो जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए 1/3 ऑफ द आवर कंट्री में, हमारे देश में माओइज्म फैला हुआ है। उसके और भी दूसरे कारण हैं, लेकिन मेजर कारण यही है कि जो गरीब लोग हैं वो देखते हैं थ्रू मास मीडिया कि क्या पॉसिबल है, क्या उनको मिलना चाहिए, क्या किसके हकदार हैं, और वो मिलता नहीं है, इसीलिए जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बजाय हमें लड़ाई जो है दोनों चीज़ों पर लड़नी है, एक तो करप्शन ख़त्म करना है, दूसरा जो यंग लोग हैं उनको उत्साहित करना है कि किस तरह से वो आकर गाँव को देखें, उसमें जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद में जाकर अपने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में देखें कि किस किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति रुझान कैसा है, इस बारे में उन्होंने क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हमेशा पैसे बनाने में लगा हुआ है, लेकिन वो पैसा बना सकता है, लेकिन ये भी अगर थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिखाए कि किस तरह से गाँव में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो गाँव में जाते हैं, और अगर वो गाँव के तरफ वो देखेगा तो दे कैन मेक मोर मनी, एट द सेम टाइम दे विल बी एबल टू हेल्प द पीपल इन रूरल एरिया। देखिए ऐसा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर कोई अलग सेक्टर नहीं है, वो भी हम आपके जैसे लोगों से बना हुआ है। आफ्टर ऑल हम ही लोग सब पास होते हैं अपने कॉलेजेस से और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं और धीरे धीरे राइज करते हैं। मेन चीज़ क्या है जो मुझे देखने को मिली कि जैसे मैंने बाकी यंग लड़कों के भी बारे में बताया, जितने भी लोग जो हैं जो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और शहरों में रहते हैं उनको गांव के बारे में बहुत कम मालूम है। ये नहीं कि वो लोग ख़राब लोग हैं, ये है कि मेन चीज़ क्या है कि दे आर नॉट सेंसिटाइज। तो हमने एक छोटा सा यहाँ सेंटर खोला है और मैं चाहता हूँ कि ये लाखों सेंटर्स हों सारे हिंदुस्तान में, जहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पर साइंटिस्ट, जहाँ प्लानर जो हैं वो आकर
सेंसिटाइज करी जाए कि भाई गांव में एक्चुअल सिचुएशन कैसी है। भारत एक खेती प्रधान देश है, यहाँ पर की लगभग 70% आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है। हालांकि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान काफी बढ़ चुका है, कृषि का काफी कम हुआ है, फिर भी हमें जीने के लिए खाना तो खाना ही है। उसके बावजूद भी हमारे देश में एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में काफी समस्याएं नजर आ रही हैं। आपने इस बारे में कई उपाय ढूंढने की कोशिश की है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हम लोग जो है सॉफ्टवेयर और नट बोल्ट लेकर हम लोग जी नहीं सकते हैं, हमें खाना तो खाना ही खाना है। और हमेशा जो है खाना जब उगाया जाता है फील्ड्स में और फार्म्स में, उसके साथ एनर्जी भी बनती है, उसके साथ बहुत चीजें होती हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर अभी बहुत ज्यादा एंटर नहीं करा है। थोड़े थोड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं कि एक मेजर रेवोल्यूशन आना चाहिए देश में, वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है जब रूरल डेवलपमेंट में आएगा तभी आएगा। हमारे यहाँ पर हजारों बच्चे आते हैं यंग, और इन सब के जो माँ बाप हैं वो फार्मर्स हैं, और आकर पहले ही ये बात बोलते हैं ये लड़के लड़कियाँ कि साहब हमें फार्मिंग कुछ नहीं करनी, हमें खाली आप हमें टेस्ट जॉब दे दीजिए। ये एक बड़ी भारी क्राइसिस है। फार्मिंग जो है आज के दिन में इसे टोटली नॉन रेमुनरेटिव और बिल्कुल ही इकोनॉमिकली नॉन वायबल प्रपोजिशन है। हमेशा जो है दिखाया जाता है कि जब ऑफिस में काम करते हैं या लोग काम करने का तो कंप्यूटर सामने बैठे हुए हैं। और मेन चीज़ क्या हो गई है कि मैं बहुत इससे दुखी हुआ, तो मैंने लोगों से लड़कों से पूछा, मैंने भाई क्या बात है? कहने साहब ऐसा है कि हम जब भी ये बताते हैं कि हम किसान हैं तो कम से कम महाराष्ट्र में ऐसी हालत हो गई है, कोई घर जो है गाँव वाला अपनी लड़की नहीं देना चाहता हम लोगों को। वी हैव बिकम अ नॉन मैनेजेबल कम्युनिटी, कि लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही बेकार की चीज़ है किसान। और जैसे मीडिया से ये भी हुआ है कि इतने सुसाइड हुए हैं, ये सब हुआ है। तो मेन चीज़ क्या है कि इंडियन फार्मिंग इज स्टिल इन द स्टोन एजेस, कि जिस लड़के को लड़की को इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता है, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता है, या किसी और चीज़ में एडमिशन नहीं मिलता है, वो जाता है एग्रीकल्चर में। और जिस लड़के लड़की को एग्रीकल्चर में भी एडमिशन नहीं मिलता है, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाता है। तो ये हालत है कि जो सबसे लोएस्ट तबका है सोसाइटी का, जो पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो है, वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाता है। जब तक अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छी कॉलेजेस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, यहाँ हालत बहुत ख़राब होने वाली है। मैं तो इतने एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जाता हूँ, वहाँ भाषण देता हूँ, वहाँ पर जो है फैकल्टी से मिलता हूँ, एंड आई एम सो अशेम टू टेल यू कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इज एब्सोल्युटली पिट, बिल्कुल ही जो है जीरो है। तो सबसे जो मैंने शुरू किया IITs में जाकर, मैंने लोगों को प्रोत्साहन देना शुरू करा कि तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, बाकी इंजीनियर हो, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो फोकस ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में ये नहीं कि मैं उनसे कहता हूँ कि तुम जाकर जो है खेतों में अनाज लगाओ, मैं उनसे बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ। मैं उनको कुछ आइडियाज देता हूँ कि किस किस तरह से जो है हम ये किस किस चीज़ों को करते हैं एग्रीकल्चर में, हैरोइंग है, प्लाउइंग है, तो किस तरह से हम जो है इसको मैकेनाइजेशन कर पाएं। क्योंकि ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर और लैंड लॉज हमारे फार्म बहुत छोटे छोटे होते आ रहे हैं, और छोटे छोटे जो है लोग बाग सब दुनिया भर के लोग बाग जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो ही बोलते हैं कि साहब फार्म बड़े होने चाहिए तो हम उसको मैकेनाइज कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जितने छोटे फार्म जाएंगे दे आर द प्राइम कैंडिडेट फॉर प्रिसिशन फार्मिंग। प्रिसिशन फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है, हाई टेक्नोलॉजी आती है, एंड दिस इज द मेरे हिसाब से दुनिया का जो फ्यूचर है खाने का वो प्रिसिशन फार्मिंग से आएगा। अब आजकल जो है अमेरिका में प्रिसिशन फार्मिंग करते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग का मतलब ये होता है कि प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वाटर, कब देना चाहिए पानी पौधों को, कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए, किस हिसाब से जो है कब उनको वो वीडिंग करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रिसिशन फार्मिंग में आती है। और मेरे हिसाब से छोटे फार्म जो हैं आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और हिंदुस्तान में ऑलरेडी छोटे फार्म हैं। हमें चाहिए क्या कि अच्छे लोग लाए जाएं और अच्छी टेक्नोलॉजी लाई जाए, और वो जो है चाहे छोटा ट्रैक्टर हो। और आप ये और दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपके ही थ्रू ये मतलब कि एक तरह से एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपने पता नहीं किसी लोगों ने ट्रैक्टर में कभी काम किया है, जब धूप में आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो ये बड़ी बहुत ही ख़राब चीज़ होती है सेंस में कि बहुत ही टायरिंग जॉब होता है। एक तो धूप, ऊपर से आवाज़, ऊपर से बहुत चीज़ें होती हैं।
क्यों नहीं हम छोटे ट्रैक्टर बना सकते जिसमें कि एयर कंडीशन केबिन हो, और उस केबिन में ऑलरेडी जो है यूरोप और अमेरिका में ट्रैक्टर्स लोग चलाते हैं और घंटों घंटों चलाते हैं। जब आप प्रॉपरली कंफर्टेबल होंगे तो आप बहुत काम कर सकते हैं। हम इस चीज़ को बिलीव करते हैं और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वी से दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पुअर वन हाउस होल्ड एट अ टाइम। ये हमारा एक मंत्र है, ये हमारा एक स्लोगन है। जब आप, और यही गांधी जी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक तालीम दूंगा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा कि जब भी तुम कुछ चीज करना चाहते हो उस गरीब के बारे में सोचो झोपड़ी में रहता है जिसके पास कुछ नहीं है, और अगर हमेशा उसके बारे में सोचोगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी। तो हम समझते हैं कि अगर ये प्लानर्स और जो रूलर्स हैं इस देश के, वो अगर इस चीज़ को सोचें तो ये बहुत सी चीज़ें वो होंगी। जैसे कि ऊर्जा के बारे में बात करी, सबसे बड़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है आजकल हमारे ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में लगती है। डीजल जो है मैक्सिमम जो है हमारे ट्रांसपोर्ट और ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर में जाता है। जब तक हम एग्रीकल्चर को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना सकते तो हम जो है किस तरह से आगे इस देश को बढ़ाएंगे। आप बेसिकली एक वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक के रूप में और प्रौद्योगिकी का प्रमुख कार्य लोगों की दैनंदिन दैनिक समस्याओं को हल करना है। इस बारे में आपने कई सारे प्रयास पिछले 30-31 सालों में किए, आप उसका लेखा जोखा कम से कम शब्दों में रखने का कोशिश करेंगे सर? देखिए, हमने जब हम शुशु में आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम कंदील में लालटन में पढ़ते थे। तो ये सोचना शुरू करा, क्योंकि इंजीनियर थे, सब पढ़ा सब करा था, तो ये सोचा कि यार ये लालटन जो है पिछले 150 साल से चली आ रही है और इसमें कोई तरक्की नहीं हुई है। तो हमारा पहला प्रोग्राम जो शुरू हुआ उस लालटन को बेटर करने का, तो हमारा जो आज भी जो हम काम कर रहे हैं वो इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो जब हमने लालटन में शुरू किया काम कि उसको किस तरह से बेटर करा जाए, कि बत्ती कैसे बढ़िया बढ़ाई जाए, मेंटल कैसे अच्छा करा जाए, कितनी कम एनर्जी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि लालटेन तो हम कर रहे हैं लेकिन वो डीजल भी चलती है, केरोसिन चलती है, क्या हम अपने गांव में ही उस ईंधन को बना सकते हैं? तो फिर हमने प्रोग्राम शुरू किया एल्कोहल पर। हमने 1980 से ही बात करी थी, और हमें बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हम दुनिया में पहले लोग थे जिन्होंने कहा कि अल्कोहल से कुकिंग और लाइटिंग होगी। तो हमने पूरा अभियान शुरू किया स्वीट सॉर्गम का, क्योंकि गन्ने से अल्कोहल बनता ही है लेकिन गन्ना जो है बहुत पानी यूज़ करता है और बहुत देर तक उसकी क्रॉप चलती है, करीब 18 महीने 12 महीने। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और कम पानी वाला जो क्रॉप थी वो स्वीट सॉर्गम थी। और स्वीट सॉर्गम की अलग बात ये थी, कोर जवार जिसको बोलते हैं, उसकी अलग बात ये थी कि एक ही पीस ऑफ लैंड से हमें दाना भी मिलता था खाने के लिए, भाकरी के लिए जिसको बोलते हैं जवार, और जो स्टेम था वो हमने, हमारे साइंटिस्ट ने उसको इतना मीठा कर दिया जैसे कि शुगर केन की तरह, और जब हम जूस निकाल लेते हैं तो जो बगैस बच जाती है वो गाय बैलों के लिए बहुत ही अच्छा फॉडर है और वो खाते हैं और उससे मिल्क भी इंक्रीज करता है, ये डेटा हो चुका है। तो इस पर हमने अभियान शुरू किया। उस समय कोई जानता भी नहीं था कि स्वीट सॉर्गम और गोड़ जवार क्या होता है। आज हमारे काम की वजह से सरकार ने बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और करीब 15-20 इंस्टीट्यूट्स हैं सारे हिंदुस्तान में जो स्वीट सॉर्गम में काम कर रहे हैं, और हमारी वजह से जो है स्वीट सॉर्गम का नाम बहुत फैला, बहुत बढ़ावा हुआ, यही नहीं बल्कि सारे दुनिया के बहुत से देशों में। तो ये हमारा जो था अभियान था। फिर ये हुआ कि स्वीट सॉर्गम पर हमने अल्कोहल पर बहुत काम किया, लाइटिंग के लिए भी एक नए नए तरह के स्टोर्स बनाए, लेकिन भारत सरकार का इतना बेकार का, क्योंकि अगेन फिर करप्शन होता है यहाँ पर, प्रोहिबिशन का बड़ा भारी वो है, तो जहाँ भी आप अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, और जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है वो एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से जो था हमें उस पर बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला स्वीडन में, बिल्कुल जैसे नोबेल प्राइज टाइप का होता है उसी माहौल में हमें प्राइज मिला था, क्वीन ऑफ स्वीडन ने हमें प्राइज दिया था। लेकिन ये हुआ कि जब हम अल्कोहल को यूज़ नहीं कर सकते तो और ईंधन क्या करेंगे, तो वही हमारा लेंस जो था, फिर हम केरोसिन पर आए। लेकिन अब हम जो काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और आशा ये है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कि किस तरह से एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जब आप अनाज उगाते हैं, अनाज का हार्वेस्ट हो जाता है,
तो जो रह जाता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू। और जनरली क्या होता है कि किसान जो है उन रेसिड्यूज को आग लगा देता है। हमारा ये बड़ा अभियान शुरू हो गया है कि किस तरह से इस रेसिड्यू को हम केरोसिन में बदल पाएं। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज है, हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है और ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो बड़ी भारी चीज होगी। ये कब से शुरू किया सर काम? ये हमने शुरू किया है पिछले 2-3 महीने में। तो ये बहुत मतलब नई चीज है, दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि हम बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हमने शुरू कर दिया है। अच्छा। और अब देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ता है। तो इसलिए जो है ये हमारा रिसर्च जो है ये इन चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। फिर ये था कि हमने कहा कि भाई गाँव के लिए सभी चीज़ें करनी है, तो ट्रांसपोर्ट में हमने काम करना शुरू करा। तो छोटे डिस्टेंसेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा बनाई। तो हम भी उसके लिए भी हमें बड़ा गर्व होता है कि हमने 1990s में अभियान शुरू किया था। उस समय कोई नहीं बात करता था इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा की। आज हम सैकड़ों लोग जो है उसी पर काम करते हैं। लोग अपने अपने हमारे आइडियाज हमसे लिए लेकिन अपना वो करते हैं, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि अब वो बढ़ रहा है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं हमने अपने यहाँ पर शुरू करी। और फिर नेशनल पॉलिसी बनाई जिसमें कि तालुका सेल्फ सफिशेंसी एनर्जी पर होनी चाहिए, जो कि आगे चल के पूरा बना। तो वो चीज़ जो है ये हम लोगों ने काफ़ी करी। छोटा सा इंस्टीट्यूट है लेकिन हम समझते हैं कि प्रॉब्लम से ही है और उनको अगर गहराई से सोचा जाए तो इस तरह की बहुत से सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो आपके ज़रिए मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके सुनने वालों को कि इस तरह के बहुत से इंस्टीट्यूट्स अगर वो बहुत ठीक से काम करें, अपने चारों तरफ प्रॉब्लम्स को देखें और उनका सोल्यूशन निकालें, तो इस देश में बहुत तरक्की हो सकती है। आप भले ही अभियंता है, इंजीनियर है, उसके बावजूद भी आपका व्यक्तित्व का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अध्यात्म। इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए ये तो हर एक का अलग जेनेटिक मेकअप होता है। या हो सकता है कि हमारे फादर का जो था, जब वो स्वतंत्र सेनानी थे तो हमारे घर में बहुत से लोग जो थे वो उसी विचारधारा के थे। और दूसरा ये था कि मेरी 13th बर्थडे पर मेरे फादर ने मुझे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी दी थी, और उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्विच खुल गया है और वो इसमें क्या अध्यात्मवाद में करने में बहुत ही उसकी अहम भूमिका मैं समझता हूँ। और उसके बाद में मैंने बहुत ही इसको पढ़ा, मेडिटेट करता था, बहुत चीज़ें करता था। मैं समझता हूँ कि जिससे से मैं इंजीनियरिंग और सब करा है, अध्यात्मवाद और इंजीनियरिंग, और उसी तरह से गांधी जी बोलते थे कि फिलॉसफी और पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। अध्यात्मवाद से आपको आउटलुक इन लाइफ जो है वो चेंज हो जाता है, जो ग्रीड है वो कम हो जाती है, एक तरह से आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। जब आप पर्सपेक्टिव अपना ब्रॉड करते हैं, उसको विजडम भी बोलते हैं, तो उससे फिर आप सोचते हैं कि ये सब फालतू फालतू चीज़ें जो मैं इसमें क्यों उलझना चाहिए। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी और फिलासफी जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं जब भी भाषण देता हूँ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया शुड बी बेस्ड अपॉन द मंत्रा ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। और ये अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ इस देश को ये बहुत बढ़ेगा और ये देश जो है सारी दुनिया में एक नया क्या कहते हैं फिलॉसफी लाएगा। मैंने किताब भी लिखी है इस पर, अध्यात्मवाद पर। मेरे रेगुलर ब्लॉग्स भी आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्पीकिंग फ्री में, तो मैं इसमें बहुत सोचता हूँ और लिखता हूँ। अभी भी जो है मैं बहुत ही डिटेल इसका अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न साइंस है उससे मैं फिलॉसफी को जोड़ता हूँ। तो आई एम लुकिंग वेरी डीपली इनटू द ब्रेन रिसर्च कि किस तरह से हम जब समाधि करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो मॉडर्न ब्रेन रिसर्च है उसे हम कैसे कोरिलेट कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र में काम करना भारत जैसे देश में काफ़ी कठिन होता है, ऐसा सभी का अनुभव है। आपने बहुत ही जुझारू ढंग से यहाँ काम किया, अपने पैरों को जमाया और काफ़ी सालों से इस बारे में एक अच्छा योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है, आपके अनुभव इस बारे में क्या कहते हैं? मैं बहुत ही प्राउड इंडियन हूँ इसीलिए वापस आया, और मतलब हो सकता है मैं बायस भी हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडियन जो जेनेटिक मेकअप है वो बहुत सुपीरियर है। और जिस देश ने गौतम बुद्ध और अशोका और कृष्णा और गांधी जैसे लोगों को पैदा किया और उनके बीच में हजारों बड़े लोग आए, वो ऐसा इतना ख़राब देश नहीं है।
इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि इस देश को सुधारना चाहते हैं, युवक और बुजुर्ग भी लोग, किस एक तरह से कैसा प्लेटफॉर्म लाया जाए, कैसे हम लोग सब मिलकर एक साथ काम करें, कैसे इन सबको इकट्ठा करा जाए, ये बड़ी भारी चुनौती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये बड़ी भारी बात है, बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाँव में। आजकल मैं देखता हूँ, जब भी मैं IITs और IIM में जाता हूँ, बहुत से लड़के मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेन मिशन यही हो गया है कि मैं जाके युवक लड़के लड़कियों को उत्साहित करूं और इंस्पायर करूं। बहुत लोग चाहते हैं कि वो गांव में काम करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे घरवाले क्या बोलेंगे, इसलिए घरवाले तो हमेशा मना ही करते हैं, लेकिन हम करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के बहुत लोग हैं, आप खाली उनको ये लगता है कि साहब कैसे शुरू किया जाए। तो मैं तो खाली अपनी एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैंने ऐसे शुरू किया, और हरेक लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है और वो फिर अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन जब इच्छा होती है तो फिर कहीं ना कहीं वायर मीडिया और रास्ता खुलता ही है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ हमारी अगर थोड़ी सी देन रही है, वो ये रही है कि हम इतने क्वालिफाइड, मेरी वाइफ ने भी PhD अमेरिका से करी, हमने भी PhD करी वहाँ से, और हम लोग इतने क्वालिफाइड जो है गाँव में रहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हज़ारों लोगों को आकर थोड़े दिनों के लिए रहना चाहिए। हम तो खैर अपनी हमें सारी ज़िंदगी निकाल दी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो गांव की परिस्थिति है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और उनको हम ट्राई करते हैं टू सॉल्व इट। बहुत से लोग जो है जो गांव के बारे में बात करते हैं वो सब शहरों में बैठे रहते हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग। हमने अभी एक नए तरह की लालटेन बनाई है, कंदील बनाई है, जिससे कि खाली लाइट ही नहीं आती, लाइट जो है बहुत ही ब्राइट लाइट है, करीब 250 या 300 वॉट बल्ब की तरह, और उस लाइट की जो हीट है उससे पूरे घर का खाना बनता है, और इसमें कोई भी आंसू नहीं आते हैं, कोई भी स्मोक नहीं होता है, और खाना भी बनता है और लाइट भी आती है, और उसमें 10 लीटर पानी बॉयल होता है। तो हम जब ये गरीब लोगों के झोपड़ियों में, जहाँ पर उन्होंने कभी भी पिछले 50-60 साल से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी है, हम उनके घर में गए तो हमें आभास हुआ कि कितनी गरीबी है। मतलब ये तो वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया का मोस्ट प्रोग्रेसिव पार्ट है। आप UP, बिहार, उड़ीसा में जाएं तो वहाँ तो और भी हालत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोचा है कि जब इन लोगों के पास में, अच्छा इन सभी लोगों के पास में, काफ़ी लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन होता है, तो ये चार्जिंग के लिए करीब 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि इसी जो हमारी जो ये कंदील है, इसमें एक हम छोटा सा एक यूनिट लगाएंगे, जिसको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक एलिमेंट। इस थर्मो इलेक्ट्रिक एलिमेंट से हम इनके मोबाइल को चार्ज कर सकेंगे। तो ये हमारा काम अभी जो है चालू हो गया है। ये इनके यहाँ पर 25 लोगों के झोपड़ियों में हमने ये लालटेन लगा दी है, वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी डिवाइस है ये अभी हम लगाना चाहते हैं। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं जो गाँव की और जो गरीबों की हैं, वो सॉल्व करी जा सकती हैं, कि पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं क्या। गांधी जी ने हमेशा ये कहा था कि जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो उनको देखो और उनको सहन करो। अगर जब सहन कर पाओगे तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। तो वही हम सोचते हैं। तो हमारा ये अभियान रहा है कि जो भी यंग लड़का आता है, हम IITs में पढ़ाते हैं, IIMs में पढ़ाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आकर जो है 6-6 महीने या 10-10 महीने गाँव में रहो, उनको देखो। हम नहीं कहते हैं कि तुम जिंदगी भर गाँव में रहो, लेकिन उनको देखो, उनको एहसास करो, और उसके बाद में जब तुम्हारे पास पावर आएगी, तुम्हारे पास क्षमता होगी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। परिवार का सहयोग ग्रामीण भागों में कार्य करने वाले किसी भी उच्च शिक्षित व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तभी जाकर उससे कोई भी, जिसको सृजनशील कार्य कहा जा सकता है, वो हो सकता है। आपके परिवार ने आपका साथ बहुत अच्छी तरह से दिया है, इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। जहाँ तक सवाल है दूसरा सवाल कि हमारे बच्चों का, मेरी दो लड़कियाँ हैं और दोनों लड़कियों को हमने यही सिखाया है। तो एक लड़की जो है वो इंजीनियरिंग, उसने भी PhD किया, वो अमेरिका में है अभी, अमेरिका से PhD करी, और वो भी आना चाहती है, कब आएगी वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी लड़की जो है वो उसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से उसने मास्टर्स किया है एजुकेशन में, और जब ये बच्चे छोटे थे तो यहाँ स्कूल भी कोई अच्छा नहीं था, तो हमने यहाँ इनके बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया था। तो अब वो बड़ी छोटी लड़की जो है
वो उसी स्कूल में पढ़ाती है और उसकी ये प्रेरणा है कि वो आगे चलकर उस स्कूल को चलाएगी। तो वापस जो है गांव में आकर, मतलब कि उसको 4 फेलोशिप थी अमेरिका से, वो वहाँ नहीं गई, और लेकिन उसने कहा कि मैं टिस्ट में करूँगी अपनी मास्टर्स और यहीं आके पढ़ाऊँगी। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि उसके फादर मदर से उसको प्रेरणा मिली। जाते जाते मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपने जो कार्य भारत के ग्रामीण भागों के विकास के लिए हाथ में लिया है, वो कार्य बहुत ही आगे बढ़े, आपके नई नई योजनाएं, नए नए उपक्रम को सफलता मिले, और आपसे प्रेरणा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग इस कार्य में की ओर आकृष्ट होकर देश को विकास की मार्ग पर आगे ले जाने के लिए तैयार हो, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसी इच्छा व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अनिल राजवंशी, धन्यवाद।